बात कर रहे थे हम आज टेस्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 10 का कंडक्ट किया आप लोगों ने, तो कितने बच्चे अवेयर हो गए थे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये बात कर रहे थे आज का जो टेस्ट था उसमें सबसे पहली बात ये हुई थी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक जेबी से मनी प्ले द रोल आर रोल्स ऑफ कौन से रोल्स। यहाँ दो फिल इन दी ब्लैंक्स बता रहे थे कि ऑप्शन कितनी लेनी पड़नी थी, दो, क्योंकि यहाँ एंड के साथ ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है एक ऑप्शन में दो ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन में दो टर्म्स नहीं है, अलग अलग ऑप्शन लेनी पड़ेगी। जी शाबाश, तो कौन सी ऑप्शन लिया आप लोगों ने? हाँ, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके नजदीक, और दूसरी बात पता क्या है, उनके नजदीक इकोनॉमी को चलाने वाली दो बड़ी फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो उनके नजदीक दो बड़ी फोर्सेस हैं, डिमांड सप्लाई को चलाने वाली, और इकोनॉमी जो है वो सारे का सारा चलता है डिमांड सप्लाई से, और बाकी कोई फोर्स काम नहीं करती। तो ए एंड डी, ए नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, बी एंड डी होना चाहिए था, बी एंड डी, ठीक है जी, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या, ए की बिलीव ऑफ मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू डॉक्टर मिल्टन फ्रेडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। क्या की बिलीव है जी इनका? मॉनेटरिस्ट है, आप सब बच्चे जानते हैं, ये लिखा भी हुआ मॉनेटरिस्ट है, डॉक्टर साहब का नाम भी आ गया सामने, अब तो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि वो क्या बात कहना चाह रहे हैं। शाबाश, देखिए अगर वो मॉनेटरिस्ट है तो फिस्कल पॉलिसी को तो मानेंगे ही नहीं, फिस्कल पॉलिसी को तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, मॉनेटरिस्ट है। तो हमें ये ऑप्शन क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। क्या हाल है, मॉनेटरिस्ट है तो कौन सी पॉलिसी को मानते होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी को मानते होंगे, लिहाजा वो कहेंगे मॉनेटरी मेजर्स आर बी एडिक्वेट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो सारा मसला किससे हल होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी से हल होना चाहिए। अगर फिस्कलिस्ट होते तो किसका नाम लेते ज्यादा, फिस्कल पॉलिसी का नाम लेते। अच्छा बच्चों, अमेरिकन डॉलर इज अ फेट मनी मींस डैश एंड डैश। जी, एक तो ये प्रीशियस मेटल से बैकअप नहीं है, ठीक है जी, और क्या है, शाबाश, दो चीजें चाहिए ना। क्या हाल है बच्चों, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये मेंटेन मनी सप्लाई आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इसकी सप्लाई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेंटेन करेगी जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बोर्ड। अमेरिका में इसका नाम क्या है, फेडरल रिजर्व बोर्ड। क्या करते हैं ये लोग तय करते हैं कितने डॉलर छापने। तो दो चीजें होगी, जब उसके बैकअप में गोल्ड नहीं है तो उसके छापने का अख्तियार फिर किसी अथॉरिटी के पास होगा, याद रखिए ना, वरना अगर बैकअप में गोल्ड नहीं है तो जितने मर्जी छाप लो, फिर तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर उसको रोकने का कोई तरीका होगा, और तरीका क्या होगा, शाबाश, मनी सप्लाई मेंटेन करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी। अब ये दो सिस्टम है, या तो फिर लीगल अथॉरिटी मेंटेन करे सप्लाई को, या फिर आप बैकअप पे क्या रख देंगे, गोल्ड रख देंगे, गोल्ड रखेंगे, जितना गोल्ड होगा उतना छपेगा, उससे ज्यादा छपेगा ही, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसमें दोनों बातें हैं, एक तो इसके बैकअप पे कोई प्रीशियस मेटल नहीं है, और दूसरी बात इसकी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए एक इदारा है, ठीक है जी। अच्छा, इन कनेडियन लिक्विडिटी क्रैश स्पेकुलेटिव डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, स्पेकुलेशन डिमांड जो है वो फंक्शन है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह कर्व बना हुआ है, और इस तरफ क्या लिया हुआ है आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ऐसे ही है ना, और जब स्पेकुलेशन डिमांड की बारी आती है तो वो लिक्विडिटी ट्रैप में चला जाता है, लेकिन उसकी उसका भी जिम्मेदार रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, वो कम होता है। अच्छा बच्चों, द कनेडियन लिक्विडिटी ट्रैप द ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी इज डिटरमाइंड बाय, क्या बच्चे शाबाश, लेवल ऑफ इनकम। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा इस तरफ से आके ये क्या हो जाती है,
वर्टिकल, और उस तरह से क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इस तरफ से क्या हो जाती है वर्टिकल, और जब वर्टिकल हो जाती है तो हम कहते हैं कि जितना मर्जी इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लो ये M1 से कम नहीं होगी। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो इस पर असर हो ही नहीं रहा, तो फिर असर किस चीज का हो रहा है कि जितनी किसकी आमदनी हो उतने खर्चे करेगा, ठीक है। इसका दारोमदार किस पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे भी तो ये कम नहीं होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से भी क्या ट्रांजेक्शन एंड डिमांड फॉर मनी कम नहीं होगी। आप लोग ये कहेंगे कि अच्छा भाई सूद बढ़ गया तो पैसे जाके बैंक में रख दो और खाना पीना छोड़ दो, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, क्या ख्याल है जी। तो खाने पीने के लिए जितनी रकम चाहिए उतनी तो हर सूरत चाहिए, उससे कम तो नहीं हो सकती, क्या ख्याल है, किधर खो गई है आप, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, An important quality of money is that it is quality is its acceptance. Good money require acceptance to all without any hesitation. अच्छे पैसे की खूबी होती है तो उसे सब जल्दी कबूल कर लेते हैं। अच्छा जी, other are given which one is different? Different कौन सा? ड्यूरेबल क्वालिटी है पैसे की, पोर्टेबल क्वालिटी है उसकी, रेकग्निशन क्वालिटी है उसकी, अनलिमिटेड सप्लाई, ये तो खराबी है अगर ये ज्यादा होगी, अनलिमिटेड सप्लाई हुई तो क्या होगा वहां इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन हो जाएगा, वेरी गुड, ये डिफरेंट है, ठीक है जी। चले, अगर एम हो 25,000, पी हो 5 और टी हो 1,000 तो क्या बनेगा, एम वी इक्वल पी टी, तो एम है 25,000, वी हो गया, पी है 5 और टी है 1,000, तो क्या हो जाएगा 5,000 बाय 2,500, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, है ना जी बच्चों। अच्छा होना ही चाहिए था इसको ना 10,000 होना चाहिए था, ये अब सही होगा, बनेगा 50,000 और ये 2 बनेगा, तो हम इसको 2 को ठीक कर देते हैं, ठीक, चलो सही हो गया। अच्छा बच्चों, तो अब आ गया इफ अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इफ मनी सप्लाई इज कितनी एंड द एवरेज प्राइस लेवल इज 5, नेशनल आउटपुट इज, नेशनल आउटपुट को ट्रांजेक्शन कह देंगे ना, द वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी आएगी, 12, पक्की बात है सबकी यही आई है, ठीक है चेक कर लिया जाए, क्या हाल है, कर लेते हैं चेक, एम वी इंटू पी टी, तो पी है प्राइस लेवल क्या है 5, 5 को जरूरत दे दी कितने से, कितने से, कितना कितना कितना, ये क्या है आउटपुट है 300 से, और एम कितना है 125, और यहां वी कर दें तो ये बन गया 1500 डिवाइडेड बाय 125 और इधर वी आ गया, कितना बन गया, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा जी, अब बच्चों अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ Which of the option will not lead to inflation? कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इन्फ्लेशन को लीड नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से मनी डिमांड बढ़ती है, इससे तो होगा फिर। अच्छा, अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए तो प्राइसेस पे असर पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब भी इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर मनी वेजेस बढ़ा दी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई तो एक्सपोर्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन होगा, क्यों, आपने चीजें बाहर भेजी, बाहर से पैसा मुल्क में आया, आप ज्यादा अमीर हो गए और अमीर होने से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, तो इसमें एक भी ऐसा नहीं जो इन्फ्लेशन को लीड नहीं करता, चारों की वजह से इन्फ्लेशन,
बच्चों एक्सपोर्ट वाली बात समझ आई है? क्यों भाई, आपको अच्छी को समझ आ रही है? अच्छा अच्छा बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मनी एम नॉट चेक्स आर नॉट मनी बिकॉज दे एम नॉट में चेक शामिल नहीं होते, क्या वजह? चूंकि ये कहते हैं कि मनी सिर्फ क्या है, कॉइन्स एंड करेंसी नोट इन सर्कुलेशन, और चेक के मुताबिक इनका ख्याल ये है कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होती है जो पैसे को ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शन है, चेक की अपनी कोई हैसियत नहीं है। याद है जो एम नॉट था उसके अंदर सिर्फ क्या था, करेंसी नोट है एंड कॉइन्स, ठीक है जी, करेंसी नोट है कॉइन्स। अच्छा चलिए, इन एन इकोनॉमी 200 मिलियन के करेंसी नोट सर्कुलेट कर रहे हैं, 100 मिलियन के ट्रेवलर्स चेक सर्कुलेट कर रहे हैं और 250 मिलियन की करेंसी इनसाइड द बैंक पड़ी हुई है और रुपीज 300 मिलियन के चेकिंग डिपॉजिट हैं और 700 मिलियन के सेविंग डिपॉजिट हैं। M1 के मुताबिक मनी सप्लाई कितनी होती है? M1 में कौन कौन सी चीजें शामिल है? M1 में एक तो M0 शामिल है, M0 क्या था, एंड कॉइन्स, और दूसरे इसके अंदर क्या शामिल है, चेकिंग अकाउंट्स, चेकिंग अकाउंट्स। लिहाजा ये जो करेंसी चल रही है आउटसाइड द बैंक, ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई है। और इसके अलावा ये जो आपकी 300 मिलियन के चेकिंग अकाउंट्स हैं, ये भी मनी सप्लाई है। देखिए ना, यही दो थे ना, और ट्रेवलर्स चेक्स भी जहां से चाहो कैश कराए जा सकते हैं, इनकी हैसियत भी क्या होती है, चेकिंग अकाउंट्स की होती है, जिस मर्जी जगह जाओ कैश कराओ। तो लिहाजा कौन कौन सा आएगा, करेंसी आउटसाइड द बैंक, लेकिन करेंसी इनसाइड द बैंक नहीं आएगी, जो सर्कुलेशन में है ही नहीं, आउटसाइड द बैंक है ना सर्कुलेशन में, और चेकिंग अकाउंट तो आएंगे और ट्रेवलर्स चेक भी आएंगे। तो कितना बन गया, 600 मिलियन। ऑप्शन कौन सा लेंगे, डी, सही हो गया जी, डन। अच्छा बच्चों, Among the given statement, which one is not true according to the Keynesian liquidity trap? If the interest rate is very low, जो true नहीं है, वो ढूंढना है। तो देखिए, public may decide to hold more cash. क्या liquidity trap में लोग cash hold कर लेते हैं? Yes, तो tick कर दें इसको। Savings utility, savings are utilized for short-term investment bearing accounts. पैसा जो है short-term bearing accounts में रखते हैं, लंबी लंबी investment नहीं करते, उससे भी कभी कभी पैसा लगा लेते हैं, और prediction about the return on investment is under estimated. वो समझते हैं अगर पैसा किसी ने invest किया तो कुछ ज्यादा gain नहीं होगा। Monetary policy can boost the aggregate demand. ये सही है, क्योंकि केस का है लिक्विडिटी ट्रैप, तो उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बूस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, बाकी तीन बातें ठीक है। यार लिक्विडिटी ट्रैप केस का है, फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल लिस्ट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कह रही है काम करेगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को गलत मान लो ना, बुनियादी सूत्र। जनरली ए सिचुएशन इन विच हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद, अब तो पता लग गया इन इफेक्टिवनेस ऑफ, और क्या फेस कर रहे हो, तो फिर ये क्या है, ये डिप्रेशन है। सीधी बात है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमी नीचे आई पड़ी है, ठीक है जी, तो कौन सी सिचुएशन है, डिप्रेशन। अच्छा जी, Thinking about the causes of liquidity trap, we consider following factor out of given. जी शाबाश, क्यों जी, इकोनॉमी गिरी पड़ी है तो सीधी बात है, एक तो क्या होगा, दूसरा क्या है,
ऐसे होता है ना। और इस सवाल में बिजनेस कॉन्फिडेंस भी लैक कर गया, ठीक है। बच्चों ने वो बताया, ये बताया, अल्लाह आलम इनमें से कौन से वाला आ सकता। अच्छा जी, रिगार्डिंग मनी फॉर M1 to M0, ये वाला M1 और ये वाला नहीं, M1 to M2, ये M1 से M2 तक, इन द गिवन डायग्राम कंसीडर द गिवन ऑप्शन। देखिए एक तो पहले हल हुआ पड़ा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, तो एक ऑप्शन तो आ गया, बाकी क्या है, डिप्रेशन होगा और यहां मॉनेटरी पॉलिसी आलो, ठीक है जी। अच्छा अब देखें बच्चों, यहां पे डी होना चाहिए था ना, ऑल ऑफ अबव, ये ठीक कर लेंगे आप, तो लगता मैंने चेंज किया, सेव नहीं किया। अच्छा जी, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, केन्स हैज सजेस्टेड फ्यू पॉलिसी एक्शन, विच वन आउट ऑफ द गिवन इज नॉट वन ऑफ देम, जो इनमें से नहीं है, जो काम नहीं करे। केन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बनाने चाहिए, यार दो का पीन को दे दो, एक का पीन को दे दो, बाकी एक दे दो, बाकी लड़कों को बता दो, चलो सारे बच्चे बांट देना। अच्छा बच्चों बताओ भाई, केस ने ये कहा था कि जब लिक्विडिटी ट्रैप हो, हुकूमत को फिस्कल पॉलिसी के तहत अखराजात बढ़ानी चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था। चलो एक तो उसने ये कहा कि तुम जब अखराजात बढ़ाओगे डिमांड बढ़ेगी और खुद ब खुद वो पैसा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा जो लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा हुआ। दूसरा उसने क्या कहा था, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो, हाँ ये उसने कहा था, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों कि इसमें से मनी की डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करो, लेकिन एक काम ना करना, क्या, ये उसने नहीं कहा था कि मनी सप्लाई बढ़ा दो, ये वो कह ही नहीं सकता जो वो कनेडियन है, फिस्कलिस्ट है। हाँ मनी डिमांड बढ़ाने का उसने कहा होगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और ये उसने जरूर कहा है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, लोगों से कहो कि अगर तुम पैसा रख के बैठे रहोगे तो वो डीवैल्यू हो जाएगा, डीवैल्यू हो जाएगा, बेहतर है उसको खर्च कर दो। कनेडियन लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ सम मोटिव फॉर द मनी डिमांड, विच आउट ऑफ देम आर दोस, ट्रांजेक्शनल भी है, प्रिकॉशनरी भी है और स्पेकुलेटिव भी है। अच्छा बच्चों 19, अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट लीड टू शिफ्ट ऑफ डिमांड का, शाबाश, कौन से वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो ज्यादा चांस क्या है कि ये मूवमेंट अलोंग द सेम कर देंगे। अच्छा बच्चों, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, मार्केट रेट को डिटरमिन करता है क्योंकि वो बैंक रेट देता है, क्या हाल है। अच्छा जी, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ M3 मनी इंक्लूड, मनी में क्या चीज शामिल होती है, ये भी शामिल होते हैं, चेकिंग अकाउंट भी होते हैं और टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। चलिए आगे आ जाइए, अमंग द गिवन विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ पेपर मनी, इसकी वैल्यू स्टेबल नहीं रहती, बाकी तो सारे होते हैं कि जनाब प्रीशियस मेटल बच जाते हैं, कॉस्ट कम आती है, पोर्टेबल ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इसकी फ्लक्चुएट होती है। क्लियर बच्चों, ये हो गए बच्चों आपके सारे के सारे